अस्सलाम वालेकुम, मैं बख्तावर महमूद और आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़। नाज़रीन, हमारे यहाँ कुछ लोग बात करते हैं कि चूंकि हमारा दिफाई बजट 80% होता है, इसलिए तालीम और सेहत के शोबे को मुनासिब हिस्सा नहीं मिल पाता, जिस वजह से हमारा तालीम और सेहत का शोबा बहुत पीछे रह गया है। नाज़रीन, मैं इस पर कोई हवाई बातें नहीं करूँगी, मैं सिर्फ अदाद व शुमार आपके सामने रखूँगी, बाकी फैसला आप खुद कर लीजिएगा। पहली बात तो ये समझ लीजिएगा कि हमारा डिफेंस बजट 80% नहीं बल्कि सिर्फ 16% है, जिसमें से बड़ी फौज के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ 8% आता है। दुनिया में बदलते हालात, जदीद जंगी टेक्नोलॉजी, नई जंगी हिकमत अमलियों की तैयारी और ट्रेनिंग के लिए फौज को हमा वक्त एक अच्छे बजट की ज़रूरत रहती है, मगर इन तमाम बातों के बावजूद पाकिस्तान का डिफेंस बजट पिछले 2 साल से मुंजमद पड़ा है, यानी कि इसमें कोई इजाफा नहीं हो पाया, जबकि दूसरी तरफ जिम्मेदारियों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। पाकिस्तान के मशरकी और मगरबी बॉर्डर पर सूरत हाल, खत्ते में बदलता आलमी मंजरनामा, साइकोलॉजिकल और मीडिया वॉरफेयर जैसे बहुत से बातों के बावजूद पाकिस्तान का दिफाई बजट नहीं बढ़ाया जा सका। माशी साल 2021 और 2022 के लिए पाकिस्तान के तालीमी इदारों को 1107 बिलियन रुपये की खती रकम दी गई है, जबकि पिछले साल 900 बिलियन रुपये दिए गए थे। जबकि सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि कोरोना वायरस की सूरत हाल की वजह से तालीमी इदारे मुसलसल बन रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि तालीम के पिछले साल के जारी करदा बजट में से भी काफ़ी रकम बची पड़ी होगी। तो सवाल यह है कि तालीम के इतने बड़े बजट के बावजूद पाकिस्तान तालीम के मैदान में इतना पीछे क्यों है? पाकिस्तान तालीम के हवाले से दुनिया के टॉप 40 ममालिक में भी नहीं आता। पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटियों में नहीं आती, सिवाय नस्र इस्लामाबाद के, जो कि फौज के अंडर आती है। इसी तरह सेहत का बजट देखा जाए तो इस साल सेहत के हवाले से 751 बिलियन रुपए की रकम मुख्तस की गई, जबकि पिछले साल यही रकम 540 बिलियन रुपए थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतनी खतीर रकम के बावजूद पाकिस्तान सेहत के हवाले से दुनिया में 122वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान का तरक्याती बजट इस साल 2397 बिलियन रुपए था, जबकि पाकिस्तान तरक्याती कामों के लिहाज से दुनिया के पहले 140 ममालिक में भी नहीं आता। दूसरी तरफ पाकिस्तान का फकत 16% डिफेंस बजट बरी, बहरी और हवाई फौज के अलावा न्यूक्लियर प्रोग्राम की मुसलसल अपग्रेडेशन, सिक्योरिटी और नए मिज़ाइल प्रोग्राम समेत इंटेलिजेंस सर्विसेज में तकसीम होता है, मगर इस कम बजट के बावजूद कारकर्दगी के लिहाज से दुनिया में हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज पहले नंबर पर, जबकि हमारी मिलिट्री सर्विस 6ठे नंबर पर आती है। और याद रखने की बात यह भी है कि इस बजट के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर पावर भी है। ऐसे में वो तमाम लोग जो डिफेंस बजट को लेकर झूठे प्रोपेगेंडा करते हैं, इनसे मेरी दरख्वास्त है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करें। सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि बहुत सारे सहाफ़ी हजरात जिनका काम ही तहकीक और साफ गोई है, वो भी दिफाई बजट को लेकर गलत बयानी से काम लेते हैं। आज के डिजिटल मीडिया के ज़माने में हम बिना तहकीक के सोशल मीडिया पर इस तरह की फर्जी बातों को फैलाने का जरिया बनते हैं, और जाने अनजाने में हम इस मीडिया वॉरफेयर में दुश्मन ताकतों का आलाकार बन रहे हैं।